1.55 करोड़ से जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के पास 150 गाड़ियों के लिए होगी पार्किंग की व्यवस्था, सतपाल सत्ती। दुकानें व शौचालय भी बनेंगे। छठे राज्य वित्तायोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के पास 1.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सतपाल सत्ती ने कहा कि यहां पर 150 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसे 6 माह की समय सीमा के भीतर बनकर तैयार किया जाएगा। यहां पर ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ एक और फ्लोर बनाया जाएगा। गाड़ियों की पार्किंग के साथ साथ यहां पर 6 दुकानें भी बनाई जाएंगी और शौचालयों का भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे स्थानीय दुकानदारों को सुविधा प्राप्त होगी। सत्ती ने कहा कि भाजपा सरकार में ही ऊना में लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलती है। अरविंद मार्ग के पास नगर परिषद की पार्किंग भी भाजपा सरकार में ही बनी थी, जिसमें 40 से अधिक गाड़ियां खड़े होने की व्यवस्था है। बाद में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ऊना में पार्किंग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार फिर पार्किंग की सौगात शहरवासियों को मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार पूरे राज्य का एक समान विकास करवा रही है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ऊना शहर में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए भी कार्य कर रही है। बरसात के दिनों में पानी जमा न हो, इसके लिए नालों की चैनलाइजेशन का कार्य अगले वर्ष जुलाई से पूर्व कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऊना शहर के 5 नालों का तटीयकरण करने के लिए 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है तथा इस धनराशि में से 10 करोड़ रुपए जल शक्ति विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। सामान के लिए जो अपने घर के लिए जाता है, जब कोई दुकानों से सामान लेने आता है गाँव से, तो उनके लिए शहर के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। हमने पिछली गवर्नमेंट में भी अरविंद मार्ग में एक पार्किंग बनाई थी और उसके बाद अभी फिर इससे भी छुटकारा मिलेगा। इसी तरह का पार्किंग का एक और हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल ऊना में था, उस ग्राउंड को हमने खाली करवाया है। वेटरनरी हॉस्पिटल बाहर लेकर के गए हैं शहर से, उनको जाम रहता है, वहाँ पर भी हम लोग एक पार्किंग बनाना चाहते हैं। उसका भी शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग एस्टिमेट बना करके गवर्नमेंट को भेजेंगे। मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ और भी गतिविधियाँ चल सकें, ताकि ऊपर भी पार्किंग के राहत लोगों को मिलेगी। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।